हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट ट्रिक्स सीखने के इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया क्या है, खास क्या है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर तमाम सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और स्टूडेंट के भी नाम लिखे हुए हैं। इसे मैं एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूं यहां से। अब यहां पर जब आप नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये हेडर आपका गायब हो जाता है। तो हेडर को फ्रीज करने का तरीका यह है कि आप व्यू मेन्यू पर जाकर के यहां से फ्रीजिंग पेन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये फ्रीजिंग पेन दिया हुआ है, यहां से आप फ्रीजिंग पेन कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई शॉर्टकट की है जिसकी मदद से आप इसको फ्रीज कर सकें, ये जो हेडर है ये हमारा गायब ना हो, क्योंकि जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो वी आर टोटली कंफ्यूज, तो हम किस सब्जेक्ट के कॉलम में है ये हम पता नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है और आपको कीबोर्ड से क्या शॉर्टकट की प्रेस करनी है। पहले प्रेस कीजिए Alt, फिर प्रेस कीजिए W, फिर प्रेस कीजिए F, फिर प्रेस कीजिए R। तो जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका जो हेडर है वो गायब नहीं होगा, ठीक है। और ये इस तरीके से, तो ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी के साथ आप फ्रीज कर सकते हैं, आप अपने हेडर को फ्रीज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।